नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की ऑनलाइन कक्षा में। विषय विज्ञान जूनियर स्तर प्रश्नोत्तरी विशेषांक 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जिन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं क अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ख गैलीलियो, ग मैडम क्यूरी और घ एडवर्ड जेनर। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है घ एडवर्ड जेनर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पेनिसिलिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? आपके विकल्प हैं क गैलीलियो, ख अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग थॉमस अल्वा एडिशन और घ सर आइजेक न्यूटन। तो क्या सोच रहे हैं आप? जी हाँ, इसका सही विकल्प है ख अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आधुनिक भौतिकी के पिता के रूप में किस वैज्ञानिक को संबोधित किया जाता है? आपके विकल्प हैं क मार्कोनी, ख चार्ल्स बेबेज, ग गैलीलियो और घ माइकल फैराडे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका सही उत्तर है ग गैलीलियो। अब पेश है प्रश्न संख्या 4। टीवी के विकास में महानतम योगदान देने वाले वैज्ञानिक डैश थे। आपके विकल्प हैं क चार्ल्स बेबेज, ख अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग जॉन लोगी बेयर्ड और घ एडवर्ड जेनर। जी हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका सही उत्तर है ग जॉन लोगी बेयर्ड। अब प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 5 आप सभी के समक्ष। एक्सरे की खोज डैश वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। आपके विकल्प हैं क अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ख चार्ल्स बेबेज, ग मैडम क्यूरी और घ विल्हम कॉनरेड रॉड्सन। हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। इसका सही विकल्प है घ विल्हम कॉनरेड रॉड्सन। अब है प्रस्तुत प्रश्न संख्या 6। डैश वैज्ञानिक को कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। अरे ये क्या, आप सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। चलिए मैं एक बार विकल्प प्रस्तुत कर देती हूँ। क चार्ल्स बेबेज, ख अल्बर्ट आइंस्टीन, ग मैडम क्यूरी, घ माइकल क्लार्क। जी हाँ, उत्तर तो आपको पता ही है। सही उत्तर है क चार्ल्स बेबेज। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? आपके विकल्प हैं क चार्ल्स बेबेज, ख अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग ग्राहम बेल और घ एडवर्ड जेनर। इसका सही उत्तर है घ ग्राहम बेल। प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 8। गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की? आपके विकल्प हैं क माइकल क्लार्क, ख सर आइजेक न्यूटन, ग जॉन लोगी बेयर्ड, घ एडवर्ड जेनर। हाँ हाँ भाई, हमें पता है कि आपको इसका उत्तर पता है और इसका सही उत्तर है ख सर आइजेक न्यूटन। प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 9। रेडियो संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। विकल्प हैं क चार्ल्स बेबेज, ख गैलीलियो, ग ग्यूलियमो मार्कोनी
और घ एडवर्ड जेनर। प्यारे बच्चों, इसका सही विकल्प है ग गुलियमो मार्कोनी। अब प्रस्तुत है अंतिम और प्रश्न संख्या 10। मेलो पार्क के जादूगर के नाम से कौन से वैज्ञानिक प्रख्यात हैं? आपके विकल्प हैं क अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ख थॉमस अल्वा एडिशन, ग एडवर्ड जेनर और घ माइकल क्लार्क। सही उत्तर है ख थॉमस अल्वा एडिशन। बच्चों, आपको बहुत ही मजा आया होगा इस प्रश्नोत्तरी विशेषांक में। अब आप भी इसी प्रकार इसे याद करें और अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।